अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो यार अभी सुबह का टाइम है और अपने सारे देसी मुर्गियों को मैंने खोल दिया है। वो माशाल्लाह यार बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। सुबह टाइम है ना, इनको खोलते ना ये बाहर पूरे सेटअप पर ना घूमती फिरती हैं। अब कुछ ये रही कुछ ये रही, माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हो गई। मुर्गा जो है ना ये माशाल्लाह और भी ज़्यादा बड़ा हो गया यार। मुझे लगता है गुड न्यूज़ आने वाली है। वो वाइट जो मुर्गी है ना, या तो वो कुड़क हो गई है, या तो वो अंडा देने के लिए बैठी है, या उसने अभी तक अंडा दे दिया होगा। यार मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे वो कुड़क हो जाए और इसको फिर हम ना बिठा देंगे अंडों पर। कि यहाँ पर ये देखें मुर्गी जो है ये अपने बच्चे के साथ है, तो ये किसी भी दूसरी मुर्गी को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर रही, बहुत गुस्सा करती है। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी चिंटू मिंटू गैंग भी बहुत प्यारी है, सारी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं, और ये भी बिल्कुल 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 ठीक हैं। बाकी यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी जो वाइट वाली मुर्गी है ना, वो इंशाल्लाह कुड़क हो जाएगी। एक या दो दिन में ना फुल कुड़क हो जाएगी ना, फिर हम उसको बिठा भी देंगे। और माशाल्लाह से यार हमारा यहाँ पर ये सारे कबूतर भी ठीक हैं। पेयर पूर तो यार इनका लगता ही नहीं है, सारा इनका ड्रामा है। वो वाइट वाला जो है ना, कभी वो सामने वाली जो फीमेल है उसके साथ होता है, और कभी वो जो डार्क वो लाइट ब्राउन वाली है कभी उसके साथ होता है। कुछ इनका आता पता नहीं है, कभी लग जाते हैं, कभी जाके घर में भी बैठ जाते हैं, और कभी नहीं, कुछ समझ नहीं आती। वो देखो फिर से जाके बैठ गई ना घर के अंदर। ऐसे लगता है कि जैसे ना इसने पेयर बनाना है और इसने अंडे वगैरह देने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बस जाके बैठ जाती है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अंडे देगी तो बात बनेगी। और बाकी यार हमारा ये जो डव है ना, खुमरा जो है, ये यार ऐसे जैसे कांपता है, पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा डरा देता है। आप लोग इसको चेक करें और कितना बुरा इसको मारा है। इसको मेडिसिन वगैरह भी लगाते हैं पकड़ के, अल्लाह करे यार दुआ है कि बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा यार बेचारे को मारा है उसने। अब भी इसको पकड़ते हैं और इसको फिर से दोबारा से दवाई लगा कर इसको फिर से अंदर छोड़ देते हैं। यहाँ पर अभी इसको ना मेडिसिन लगा तो दी है, लेकिन ये बहुत बेचारा यार, देख रहे हो इसकी कंडीशन, पता नहीं ऐसे कैसे करी जा रहा है परों को, क्या इसको तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ तो होती होगी यार, कितना इसको मारा, ज़ख्मी कर दिया था, लेकिन अभी इसको फिर से मेडिसिन लगा दी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ना फिर से ठीक हो जाएगा। इसका यार जो बाप है ना यार, वो माशाल्लाह हैं तो बहुत अच्छा पेयर है। ये नहीं है ब्रीडर पेयर है, फुल ब्रीडर पेयर है। अंडे भी दे रहे हैं, बच्चे भी हैं, ये उनका बच्चा है, लेकिन यार वो जो है ना किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता अपने पास। मतलब जैसे कोई आएगा फौर उसको मारना शुरू कर देगा, और इस वजह से इसको देखो कितना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। अब भी चलते हैं अपने ज़रा मेगा केज में भी, और उसका जो है ना उसका भी टाइम पूरा होने वाला है। जो इसने अंडा दिया है ना, वो जो बैठी है खुमरी, वो आप देख रहे हो जो फीमेल बैठी है खुमरे की, और मुझे लगता है पूरा पेयर ही बैठा है उसके अंदर, क्योंकि अभी एक यहाँ पर सिर्फ एक यही है, और बाकी सारे तोते हमारे ये रहे, और हमारा माशाल्लाह पूरा का पूरा पेयर भी ये बैठा है वाइट वालों का। पता नहीं इन्होंने अंडे दिए हैं या नहीं दिए, वैसे रोज़ रोज़ भी चेक नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ये जब अंडे दे देंगे ना पता लग जाएगा। कुछ दिनों तक दो चार दिन ठहर के ना फिर हम इसको चेक करेंगे कि इन्होंने अंडे बच्चे दिए हैं या नहीं दिए। और बाकी माशाल्लाह से यार हमारा इसक वाली का चेक करते हैं, इसकी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इसके अंडे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और तकरीबन इसको ना अब होने वाले होंगे 10-15 दिन तो होने वाले होंगे इसके अंडे को। तो दुआ है यार अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी इसके ना बच्चे काफ़ी सारे फिर से निकलें। एक ही अंडा है तो एक ही बच्चा निकलेगा। अभी ऊपर चढ़ता हूँ और मैं ज़रा देखता हूँ इसमें बच्चे अंडा क्या बना, कोई प्रोग्रेस है या नहीं है। कि ऊपर तो आ चुके हैं और पूरा का पूरा पेयर बैठा है माशाल्लाह से यार, पेयर पूरा ब्रीडर पेयर है। और अभी ज़रा मुझे अंडा दिखाओ, अपना अंडा दिखाना, ये क्या है। और माशाल्लाह से यार अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली फाइनली बच्चा आ चुका है। और माशाल्लाह यार कितना क्यूट क्यूट सा चिंटू बेबी यार, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तभी मैं कहूँ कि ये मदर और ये पूरा पेयर क्यों बैठा है, इसका एक्सेल भी होगा। और यहाँ पर ये इसका अंडे का छिलका भी पड़ा है, और माशाल्लाह यार माशाल्लाह से बच्चा निकल चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये था अभी इनके ना कुछ दिन पड़े हैं, लेकिन यार माशाल्लाह ये पेयर जो है बहुत प्यारा है यार, माशाल्लाह से बच्चा फाइनली निकल चुका है और इसने बच्चा दे दिया है। कितना प्यारा यार बच्चा था माशाल्लाह से यार, बहुत खुशी हो रही है यार माशाल्लाह माशाल्लाह। बस यार अब दुआ है जल्दी जल्दी ये भी दे दें, अंडे दें और बच्चे दें, तो फिर इंशाल्लाह इनके भी काफ़ी सारे बच्चे हो जाएंगे। वाइट वाले जब भी अंडा देते हैं ना, ये वाली जो है फीमेल मेल इसका हर दफ़ा गिरा देता है, बाकी मेल जाके फिर से ना फीमेल के साथ बैठ गया। बहुत ज़्यादा यार खुशी हो रही है माशाल्लाह, बच्चा निकल गया। एक ही अंडा था तो एक बच्चा तो निकला है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
हमारे डब ने तो बच्चा दे दिया माशाल्लाह, कितना प्यार। पहले अंडा था, बच्चा निकला यार। और वो जो फीमेल यार जिस तरह जाके बैठती है ना, उसने भी यार अंडे देने हैं, लेकिन पता नहीं है यार इसका पेयर कब लगेगा, कब अंडे देगी। घर तो उसने सिलेक्ट कर लिया, जैसे जिस तरह वो बारी बारी घर में जाती है नेस्टिंग बॉक्स में, इसी तरह कहते हैं जब यार ये अपना नेस्टिंग बॉक्स सिलेक्ट कर लेती है ना, घर जो अपना यानी कि होता है, उसके बाद ही अंडे वगैरह देना शुरू करती हैं। उससे पहले ये बिल्कुल भी अंडे नहीं देती हैं, क्योंकि पेयर नहीं होता। जब तक इनको घर ना मिले ना, ये तब तक कोई अंडा नहीं देती। जिस तरह हमारे जो बजीज हैं वो अभी तक वैसे ही फिर रहे हैं, जब तक उनका मैं नेस्टिंग बॉक्स नहीं लगाता, उनके घर नहीं लगाता, तब तक उन्होंने कोई अंडे नहीं देने। बाकी अभी है ना यार उनके भी बॉक्स लगाने हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी है ना यार गर्मी है, और मैं कहता हूँ थोड़ा मौसम और चेंज हो जाए फिर इनके बॉक्स लगा देंगे। बाकी यार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे डब ने बच्चा दे दिया, और दुआ है यार अब जल्दी जल्दी बस ये भी अंडे देना शुरू कर दें तो क्या ही मज़ा होगा यार। बड़े बड़े तो हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। अभी ये जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, कुछ टाइम हो रहा है इनका भी, जिस तरह मुझे था कि डब का अभी तकरीबन कोई 5-7 दिन पड़े होंगे फिर जाके बच्चा निकला, लेकिन जल्दी निकला आया माशाल्लाह, डेज पूरे हो गए। इसी तरह इंशाल्लाह उम्मीद है एक दिन आएंगे ऊपर और इन्होंने भी अंडा दिया होगा। बहुत ज़्यादा यार खुशी की बात है। बाकी इंशाल्लाह ये भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, ये भी इनको जाना है, इनके लिए वैक्सीन वगैरह भी लेके आएंगे, इनको सबको वैक्सीन भी करवानी है। बड़े बड़े हो रहे हैं ना, अभी बच्चे हैं ना, तो एक इनकी बच्चों के लिए वैक्सीन होती है वो भी इनको देनी है, फिर इनकी प्रॉपर केयर होती है इनकी, वो केयर करनी है। इंशाल्लाह हमारे ये भी बड़े बड़े हो जाएंगे फिर बहुत ज़्यादा सेटअप पर ब्रीड्स ही ब्रीड्स हो जाएंगी। अभी बाकी सारे केज भी ना भर देने सब कुछ यार। बस यही था आज के लिए, बहुत ज़्यादा यार खुशी की बात है कि हमारे डब का फाइनली बच्चा निकल चुका है, और इंशाल्लाह अब अल्लाह करे दुआ है यार वाइट वाले जो डब हैं वो भी अंडे दे दें, बच्चे दे दें, तो काफ़ी सारे हो जाएंगे हमारे पास। तो यार बस यही था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, और मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।